हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका एमएलटी एजुकेशन पॉइंट पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। और आज हम फिर मिले हैं एक नए टॉपिक के साथ में, स्टूल एग्जामिनेशन। हिंदी में इसे हम कहते हैं मल परीक्षण। तो स्टूल एग्जामिनेशन आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। उसमें भी क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक में से, और मेन एग्जाम में भी टॉपिक जो है, क्वेश्चन जो है, इसमें से पूछे जाते हैं। अब देखो, स्टूल एग्जामिनेशन क्या होता है, ठीक है, क्या क्या एग्जामिनेशन हम इसमें करते हैं, और स्टूल क्या है, ठीक है, ये सारा, स्टूल एग्जामिनेशन करना क्यों जरूरी है, ये सारा हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो बिना कोई देरी के आज की क्लास शुरू करते हैं। स्टूल एग्जामिनेशन, हिंदी में इसे हम कहते हैं मल परीक्षण। देखो, सबसे पहले तो ये जानते हैं कि स्टूल क्या है। स्टूल क्या है, नॉर्मल लैंग्वेज में हम उसको पोटी या लेटरिन कहते हैं। तो स्टूल अगर मेडिकल लैंग्वेज की बात करें तो उसको हम क्या कहते हैं, फीसेस कहते हैं, ठीक है। स्टूल क्या है, स्टूल एक अनडाइजेस्टेड या फिर वेस्टेड मटेरियल कह लें, या वेस्टेड जूसेस जो बचते हैं आफ्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, तो कुल मिला के आपके इंटेस्टाइन और स्टमक में आफ्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के बाद में जो भी अनवेस्टेड मटेरियल बचता है, खाने का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होने के बाद में जो भी अनवेस्टेड मटेरियल बचता है, जो भी जूसेस वगैरह का यूज होने के बाद में, लीवर पेनक्रियास के जूसेस जो होते हैं, वो सभी उनका यूज होने के बाद में आपका जो वेस्ट मटेरियल बचता है उसी को हम कह देते हैं स्टूल, ठीक है। अब देखो भाई, स्टूल एग्जामिनेशन करना क्यों जरूरी होता है, ठीक है। स्टूल एग्जामिनेशन से हम ये पता कर सकते हैं कि हमारा पाचन जो है वो सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन तो नहीं किसी पेशेंट को कब्ज हो रही है, तो वो उसके लिए स्टूल एग्जामिनेशन करवा रहा है। कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, पैरासिटिक इन्फेक्शन हो गया, स्टूल में अगर ब्लीडिंग हो रही है, आपके फीसिस में ब्लड निकल रहा है, तो ये सभी कारण होते हैं और फिर स्टूल एग्जामिनेशन हम करवाते हैं। अब बैक्टीरियल इन्फेक्शन कई बैक्टीरिया के कारण हो सकता है, पैरासाइटिक इन्फेक्शन कई पैरासाइट्स के कारण हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो गया, कब्ज हो गई, गैस बन रही है, ठीक है। कई फीवर में भी करवाते हैं, जैसे बच्चे के लिए है तो फीवर में भी करवाते हैं, किसी को डायरिया हो गया, तो इस वजह से स्टूल एग्जामिनेशन करवाते हैं, ठीक है। अब देखो, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो बैक्टीरिया जो होते हैं वो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं। अगर खराब बैक्टीरिया इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंस है तो वो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन फैलाएंगे, ठीक है। इन्फेक्शन फैलाएंगे तो कई सारी बीमारियां हो सकती है। तो स्टूल एग्जामिनेशन के द्वारा हम ये देख सकते हैं कि स्टूल के अंदर जो बैक्टीरिया प्रेजेंस है वो अच्छा बैक्टीरिया है या खराब बैक्टीरिया है। अगर खराब बैक्टीरिया है तो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है। अब स्टूल की क्वांटिटी और कंसिस्टेंसी की बात करें हम, कि इसका स्टूल का कलर में कोई अगर डिफरेंस आ रहा है तो क्या कोई से बीमारी हो सकती है, या फिर कंसिस्टेंसी में कोई डिफरेंस आ रहा है। देखो, नॉर्मली स्टूल का कलर तो हमारे, हम जो खाना खाते हैं, हमारी सब्जियां वगैरह, उनके ऊपर भी डिपेंड करता है। ज़्यादा मतलब इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ सकता है। और अगर क्वांटिटी की बात करें तो देखो, जो मतलब कि हम कहें कि जो नॉन वेजिटेरियन है, तो नॉन वेजिटेरियन का अगर हम बात करें तो वो क्या है, मीट लेते हैं, तो उसके कारण उनका जो स्टूल का अमाउंट होता है वो कम होता है, प्लस हार्ड होता है स्टूल। और अगर वेजिटेरियन की बात करें तो वो क्या है, वेजिटेबल्स खाते हैं, फाइबर्स खाते हैं, तो उस कारण से उनका स्टूल जो होता है वो सॉफ्ट होता है, प्लस बल्कि यानी कि ज़्यादा अमाउंट में हो सकता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अब हम आगे देखते हैं स्टूल एग्जामिनेशन। देखो, स्टूल इज द वेस्ट मैटर डिस्चार्ज फ्रॉम बाउल, एक वेस्ट मटेरियल है जो कि आपके इंटेस्टाइन से होते हुए निकलता है। एंड एग्जामिनेशन ऑफ स्टूल फीसेस, जिसे हम मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं, सैंपल टू हेल्प डायग्नोस्ड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स। आपके जीआई ट्रैक्ट में अगर कोई इन्फेक्शन हो गया है, कोई डिसऑर्डर्स हो गया है, ठीक है, तो उस कारण से हम स्टूल एग्जामिनेशन करते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स मतलब क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए हम करते हैं स्टूल एग्जामिनेशन, ठीक है, कि जैसे डायरिया हो गया है, ठीक है, डायरिया हो सकता है किसी बैक्टीरिया के कारण हो गया हो, ठीक है, किसी इन्फेक्शन के कारण हो सकता है। डिसेंट्री, जैसे बैसिलरी डिसेंट्री हो गया, ठीक है, अमीबिक डिसेंट्री हो गया, उसके लिए हम करते हैं। कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज हो जाती है किसी को, तो उसके कारण भी स्टूल एग्जामिनेशन करवाते हैं। या फिर पैरासिटिक इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, पैरासिटिक इन्फेक्शन में हम ट्रोफोजोइड, एग, हेलमेंटिस यानी कि ओवा वगैरह, ये सारी चीज़ें हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में देखते हैं कि अगर कोई पैरासिटिक इन्फेक्शन हुआ है तो उसके अंदर ओवा हो सकता है, सिस्ट हो सकता है, ट्रोफोजोइड हो सकता है,
पेप्टिक अल्सर हो गया है तो इस कंडीशन में भी स्टूल एग्जामिनेशन करवाते हैं, कोई कार्सिनोमा हो गया है, ठीक है, माल एब्जॉर्प्शन हो गया है, या फिर जीआईटी ब्लीडिंग, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल में ब्लीडिंग हो रही है, स्टूल में नॉर्मली ब्लड नहीं प्रेजेंट होता है, अगर ब्लड दिखाई दे रहा है मतलब कि कहीं ना कहीं ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, जैसे साल्मोनेला के कारण हो गया, शिगेला के कारण हो गया, जैसे शिगेलोसिस हम कहते हैं, ठीक है, तो उसके कारण बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, वो क्या है, बैक्टीरिया है, तो इसके लिए हम स्टूल एग्जामिनेशन करवाते हैं। ये क्लियर है आपको कि स्टूल एग्जामिनेशन क्यों करवाते हैं? अब भाई सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है, फिर देखो एक और इम्पोर्टेंट बात आती है कि स्टूल एग्जामिनेशन जीआई ट्रैक्ट के लिए तो करते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ ये आपके लीवर और पेनक्रियास के बारे में भी बताते हैं, क्योंकि देखो लीवर से क्या बनकर आता है, बाइल जूस, ठीक है, बाइल जूस आता है जो कि आपके डाइजेशन में हेल्प करता है इंटेस्टाइन में, तो अगर वहां पर आपके बाइल डक्ट में कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है तो उसके कारण क्या होगा, डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा, डाइजेशन नहीं होगा तो बहुत सारी अबनॉर्मलिटीज हो सकती है, तो एक तो लीवर की बताता है। पेनक्रियास की बात करें तो एक एंजाइम होता है ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन एंजाइम आपके प्रोटीन का डाइजेशन में हेल्प करता है, तो अगर पेनक्रियास और ट्रिप्सिन एंजाइम अगर आपका नहीं सिक्रीट कर रहा है, नहीं प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसके कारण प्रोटीन का डाइजेशन सही से नहीं हो पाएगा, तो वहां पर भी हम पता लगा सकते हैं कि पेनक्रियास में भी कोई ना कोई गड़बड़ी चल रही है। ओके, अब बात करते हैं किसी कलेक्शन की, कि कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन, देखो स्पेसिमेन का कलेक्शन हमें कैसे करना है, स्पेसिमेन यानी कि जो स्टूल का स्पेसिमेन हम पेशेंट से मंगवाएंगे तो वो कैसे, क्या उसकी रहेगी, देखो फर्स्ट वन द स्वैब ओनली फॉर इन्फेंट, अगर हम स्वैब से कर रहे हैं तो वो केवल इन्फेंट के लिए ही रहेगा। उसके बाद स्पेसिमेन कलेक्शन इन वाइड माउथ कंटेनर, एक वाइड माउथ कंटेनर लेना है हमें, क्लीन होना चाहिए, लीक प्रूफ कंटेनर होना चाहिए, विदाउट कंटामिनेशन ऑफ यूरिन, जो स्टूल हम लेते हैं उसमें यूरिन का कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए, वाटर का कंटेमिन, यूरिन एंड वाटर भी लिख लेते हैं यहाँ पर, यूरिन एंड वाटर का कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, देखो यूरिन क्या करेगा, आपके जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको डिस्ट्रॉय कर देगा, जैसे लिविंग ट्रोफोजोइट है, अगर उसके अंदर स्टूल के अंदर ट्रोफोजोइट प्रेजेंट है, कोई पैरासिटिक इन्फेक्शन है और ट्रोफोजोइट प्रेजेंट है, तो ये यूरिन उस ट्रोफोजोइट को डिस्ट्रॉय कर देगा, तो हम सही से डायग्नोसिस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। वाटर है तो वाटर से क्या होता है कि वाटर के अंदर फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, तो फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है तो वहां पर आपको बैक्टीरिया या फिर पैरासिटिक में कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म को आप समझोगे कि हो सकता है ये बैक्टीरिया है या फिर ये पैरासाइट है, तो वहां पर आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, इस वजह से वाटर और यूरिन का कंटामिनेशन उसके अंदर नहीं होना चाहिए। अगली आती है कलेक्टेड इन द मॉर्निंग बिफोर ब्रेकफास्ट, मॉर्निंग में कलेक्शन करो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेबलिंग द स्पेसिमेन, स्पेसिमेन को लेबल करना नहीं भूलना है, चाहे आप यूरिन का कलेक्शन कर रहे हो, चाहे आप ब्लड का कलेक्शन कर रहे हो, चाहे आप स्टूल का कलेक्शन कर रहे हो, लेबोरेटरी में सबसे मेन बात आती है लेबलिंग की, क्योंकि वहीं पर सबसे ज्यादा मिसमैच होता है, ठीक है, वहीं पर सबसे ज्यादा गड़बड़ी होती है। अगर लेबलिंग इधर से उधर हो गई तो इस पेशेंट की रिपोर्ट इधर, इस पेशेंट की इधर रिपोर्ट चली जाएगी, तो क्या होगा, उसका डायग्नोसिस प्रॉपर नहीं हो पाएगा। ओके, कलेक्टेड एटलीस्ट 3 सैंपल, ठीक है, हमें जैसे किसी पैरासिटिक इन्फेक्शन की जांच करनी है कि कोई पैरासाइट प्रेजेंट है या, तो उस कंडीशन में या फिर नॉर्मली भी हम कम से कम 3 सैंपल तो मंगवा कर देखते हैं, ठीक है। 3 सैंपल में हम देखते हैं, फर्स्ट में नहीं दिखा तो सेकंड में दिखेगा, इस तरीके से हम कम से कम 3 सैंपल मंगवाते हैं, अल्टरनेट डे भी मंगवा सकते हो, ठीक है। तो कलेक्टेड एटलीस्ट कितने सैंपल मंगवाने हैं आपको, 3 सैंपल मंगवाने हैं। अब आगे बात करते हैं भाई क्वांटिटी की, क्वांटिटी की बात करें कि कितना सैंपल हमें मंगवाना रहता है, तो देखो पैरासाइटोलॉजिकल एंड बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन की हम बात करें, पैरासाइटोलॉजिकल और बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन की बात करें तो कम से कम 5 ग्राम हमें स्टूल की जरूरत पड़ती है, उसके बाद में फॉर केमिकल एनालिसिस के लिए 50 ग्राम, ठीक है, इतना हमें क्वांटिटी जो है उसकी मंगवानी पड़ती है, ठीक है। ये ठीक है, क्वांटिटी का मैंने बता ही दिया है आपको, एक नॉर्मल जो वेजिटेरियन है और नॉन वेजिटेरियन है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है क्वांटिटी का, नॉर्मली अगर हम बात करें तो। अब एक नोट आपको करना है कि लिक्विड स्टूल एग्जामिनेशन विद इन 30 मिनट, देखो स्टूल एग्जामिनेशन हम करते हैं तो हम देखते हैं कि स्टूल जो है वो फॉर्म्ड है या फिर लिक्विड है, कैसा है, यानी कि सॉफ्ट है, हार्ड है, फॉर्म्ड है, लिक्विड है, तो देखो अगर लिक्विड स्टूल है तो उसका एग्जामिनेशन हमें विद इन 30 मिनट के अंदर, विद इन 30 मिनट के अंदर हमें कर लेना है, ठीक है।
30 मिनट टू 1 आवर के अंदर, 1 आवर तक भी चल सकता है लेकिन इससे ज्यादा नहीं, 30 मिनट के अंदर कर लो तो बहुत बढ़िया, ठीक है। आफ्टर पासिंग स्टूल, स्टूल के पास होने के बाद कम से कम 30 मिनट के अंदर हमें अगर लिक्विड स्टूल है तो उसका एग्जामिनेशन कर लेना चाहिए। क्यों कर लेना चाहिए? बिकॉज मोटाइल प्रोटोजोआ है, जैसे कि अमीबा एंड गियार्डिया, डाई क्विकली व्हेन दे आर आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। क्योंकि जो मोटाइल प्रोटोजोआ होते हैं, यानी कि जैसे अमीबा और गियार्डिया, जैसे ही बॉडी से बाहर निकलते हैं, जैसे स्टूल पास होता है, वो जल्दी ही क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। इसीलिए हमें 30 मिनट के अंदर लिक्विड स्टूल का एग्जामिनेशन कर लेना चाहिए। और फोर सेमी और सॉफ्ट फॉर्म्ड स्पेसिमेन है तो 1 घंटे के अंदर। अगर कोई प्रिजर्वेटिव यूज कर रहे हो तो फिर आप उसको लॉन्ग टाइम तक भी स्टोर करके रख सकते हो, ठीक है। लो भाई, प्रिजर्वेशन भी आ गया है, लेकिन उससे पहले प्रिकॉशंस आते हैं। प्रिजर्वेशन से पहले प्रिकॉशन, क्योंकि आपने स्टूल एग्जामिनेशन का कलेक्शन किया है तो प्रिकॉशन तो आपको रखने पड़ेंगे, क्योंकि उसमें क्या है, बैक्टीरिया है, यानी कि वो क्या है, एक इन्फेक्टेड मटेरियल है, ठीक है। इन्फेक्टेड मटेरियल तो एक तो उसकी स्मेल बहुत बुरी होती है, ठीक है, तो आपको मास्क पहन के रखना है, ठीक है, क्योंकि और उसके अंदर बैक्टीरिया पैरासिटिक इन्फेक्शन है, तो उस आप इनहेल करते हो उसके पास में, अगर आपने मास्क नहीं पहना है तो हो सकता है कि आपके अंदर बैक्टीरिया या पैरासिट जा सकता है। अब देखो और क्या आपको रखना है, ग्लव्स पहनना है, मास्क पहनना है। कंटेनर को आपको कभी भी आपकी जो स्लिप होती है, ठीक है, मतलब कि जो रिक्विजिशन फॉर्म होता है हमारा, उस पर नहीं रख के लाना है, क्योंकि उसमें क्या है, बैक्टीरिया है, पैरासाइट है, ठीक है। और भी बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी सी बातें हैं जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है, कि उसके ऊपर नहीं रखना है, फिर उसको डिस्पोजल करो तो भी ध्यान से करना है, ये सारे प्रिकॉशन आपको रखना है, लेबलिंग प्रॉपर करना है। अब प्रिजर्वेशन की बात आती है कि यदि स्पेसिमेन का एग्जामिनेशन हम नहीं कर पा रहे हैं, डिले हो रहा है, या फिर हमें उसको एग्जामिनेशन को स्टोर करने करके रखना है फ्यूचर एग्जामिनेशन के लिए, यूज ऑफ स्टूल प्रिजर्वेशन, हम क्या यूज करेंगे, प्रिजर्वेटिव यूज करेंगे। जैसे हम ब्लड के लिए भी यूज करते हैं ना, एंटीकोगुलेंट यूज करते हैं, वो क्या है, प्रिजर्वेटिव है, ठीक है, ताकि हम उसको स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे यूरिन के लिए हम प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं, वैसे स्टूल के लिए भी हम प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं। यूज ऑफ प्रिजर्वेटिव का काम क्या होता है, ये काम करता है आपके मॉर्फोलॉजी ऑफ प्रोटोजोआ पैरासाइट एंड प्रिवेंट फर्दर डेवलपमेंट ऑफ हेलमेंटिक एग एंड लार्वा, ठीक है। हमने स्टूल कलेक्शन कर लिया है तो उसके बाद में हमें जो प्रोटोजोआ जो देखना है, जिनकी जांच करनी है, उनकी मॉर्फोलॉजी को हमें प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा, तभी तो हम अच्छे से एग्जामिन कर पाएंगे। प्लस जो हेलमेंटिक है उनके एग और लार्वा का फर्दर आगे डेवलपमेंट नहीं हो, उसको भी रोकना पड़ेगा हमें, ठीक है, तभी तो हम एग्जैक्ट काउंट का पता लगा पाएंगे, ठीक है, कि कितने प्रेजेंट है। तो इस कारण से हम प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं, ओके। अगर हम उसको लंबे टाइम तक रख रहे हैं तो जल्दी कर लेते हैं, विद इन 30 मिनट और 1 आवर के अंदर, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो कौन कौन से प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं, आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि प्रिजर्वेटिव कौन कौन से पूछे जाते हैं। देखो कैरी ब्लेयर मीडियम, ये हम करते हैं जब हमें कल्चर करना होता है स्टूल का, ठीक है, ये भी हमें कल्चर करना होता है, बफर्ड ग्लिसरॉल सलाइन कल्चर के लिए यूज करते हैं। बाकी नॉर्मली हम फॉर्मेलिन सॉल्यूशन और मेरिथियोलेट आयोडीन फॉर्मेलिन और पॉलीविलाइन एल्कोहल यूज करते हैं, ठीक है, ये हम यूज करते हैं जब हमें माइक्रोस्कोपिक या केमिकल एग्जामिनेशन करना है तो उसके लिए। बाकी तो हम बफर्ड ग्लिसरॉल सलाइन या कैरी ब्लेयर मीडियम हम कल्चर के लिए यूज करते हैं। इतना समझ में आ गया आपको कौन कौन सा प्रिजर्वेटिव हम यूज करते हैं, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब भाई आती है बात मेथड ऑफ एग्जामिनेशन की। मेथड ऑफ एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो कौन कौन से तरीके से हम स्टूल का एग्जामिनेशन करते हैं, तो सबसे पहला आता है आपका फिजिकल एग्जामिनेशन, दूसरा आता है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन और तीसरा आता है केमिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन को हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि हम इसको देखकर बताते हैं। फिजिकल हमने यूरिन फिजिकल एग्जामिनेशन भी किया है, तो वहां पर हम यूरिन को देखकर बताते हैं, यहाँ पर भी स्टूल को देखकर बताएंगे कि स्टूल का कलर कैसा है, तो ये कलर में कोई एबनॉर्मेलिटीज है तो ये बताएगा कि ये डिसीज हो सकती है। कंसिस्टेंसी कैसी है, ठीक है, यानी कि उसका गाढ़ापन कैसा है, लूज है, फॉर्म्ड है, ठीक है, कैसा है, अमाउंट कितना होना चाहिए, ठीक है, ऑर्डर कैसे है, म्यूकस और ब्लड, ये हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर आता है। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के अंदर हम देखते हैं प्रोटोजोआ, ठीक है, पैरासाइट की पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो गया है तो उसमें एग, हम, ओवा, ठीक है, सिस्ट, ये सब देखते हैं, क्रिस्टल, फैट ग्लोब्यूल्स, ईस्ट, बैक्टीरिया, पस, ठीक है, जो अनडाइजेस्टेड फूड तो नहीं निकल रहा है कहीं,
ठीक है, जो खाना हमारा डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, बाइल जूस ऊपर से नहीं आ रहा है, डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि अनडाइजेस्टेड फूड निकल रहा है, ठीक है। फैट ग्लोब्यूल, सीस्ट, बैक्टीरिया, ये सारी चीजें हम मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के अंदर देखते हैं। अगला आता है हमारा केमिकल एग्जामिनेशन। तो केमिकल एग्जामिनेशन के अंदर हम क्या देखते हैं, अकल ब्लड। अकल ब्लड का मतलब होता है छिपा हुआ ब्लड, यानी कि स्टूल के अंदर ब्लड है लेकिन हमें दिख नहीं रहा है, तो उसके लिए हम अकल ब्लड करते हैं जो कि केमिकल एग्जामिनेशन में आता है। फिर हम पीएच देखते हैं, ठीक है, कि इसका पीएच जो है स्टूल का कितना होना चाहिए। वैसे तो नॉर्मली पीएच जो है आपकी डाइट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। देखिए आगे देखते हैं, पहला बात करते हैं हम फिजिकल एग्जामिनेशन के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको जो नॉर्मल चीजें हैं वो बता देती हूँ कि नॉर्मली देखो आपका स्टूल का अमाउंट यानी कि थोड़ा सा बल्क में यानी कि 100-200 ग्राम पर डे हो सकता है, ठीक है। कलर की बात करें तो नॉर्मली कैसा कलर होता है, ब्राउन कलर होता है। वाटर अप टू 75%। पीएच कितना होता है, 6.0-7.5। आरबीसी आपके स्टूल के अंदर नहीं होती है, अब्सेंट होती है। डब्ल्यूबीसी फ्यू हो सकती है। एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होती है। क्रिस्टल कौन कौन से मिल सकते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट और ट्रिपल फॉस्फेट। फेट कितना हो सकता है, लेस देन 7 ग्राम पर डे, ठीक है। उसके बाद यूरोबिलिन ओजन की बात करें तो 50-300 per 24 हो सकता है, ठीक है। 50-300 per 24 hour, ओके। तो ये आपको पता चल गया, नॉर्मली मैंने एक साथ आपको बता दिया है, बाकी आगे इन सभी के बारे में हम पढ़ ही रहे हैं। तो फिजिकल एग्जामिनेशन देखते हैं। सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन में हम देखेंगे कि स्टूल को हम देखकर बताएंगे कि क्या एबनॉर्मलिटीज स्टूल में है या नॉर्मल है। तो कंसिस्टेंसी की सबसे पहले बात करें तो मैंने आपको बताया ही है एक तो कि नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन में कंसिस्टेंसी का डिफरेंस हो सकता है, होता है। अब देखो कंसिस्टेंसी नॉर्मली कैसी होती है, नॉर्मली जो कंसिस्टेंसी होती है ना स्टूल की, वो होती है एक तो सेमी फॉर्म्ड और कैसी हो सकती है, लूजली फॉर्म्ड। अब देखो अब एबनॉर्मल की बात करते हैं कि एबनॉर्मली कैसा दिखेगा। एबनॉर्मल की अगर बात करें तो एक्सपेक्टेड रीजन क्या होंगे कि किस कंडीशन में आपका ये वाला कंसिस्टेंसी दिख सकता है। अगर पेल और बल्की की बात करें तो वो कब दिखेगा, पुअर फैट डाइजेशन। अगर आपका फैट का प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पा रहा है, लीवर से बाइल जूस नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको यानी कि फेट जो है आपके स्टूल में देखने को मिल रही है तो वहां पर उसका कलर पेल और आपको स्टूल बल्की दिखाई देगा। अगर हार्ड और ड्राई की बात करें, ठीक है, ड्राई इस तरीके से हार्ड और अगर ड्राई आपको दिखाई दे रहे हैं तो आपको मतलब कि कब्ज हो सकती है, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। फ्लैटेंड एंड रिबन लाइक अगर बात करें, फ्लैटेंड और रिबन लाइक आपको कब दिखाई देगा, यानी कि उसमें रिबन बने हुए होंगे, ठीक है, फ्लैट होगा लेकिन उसके अंदर रिबन बने हुए होंगे तो वो आपका दिख सकता है। ऑब्स्ट्रक्शन इन द ल्यूमेन ऑफ द बाउल एंड नैरोइंग कोलन के कारण भी हो सकता है। कोलोन अगर नैरो हो गई है तो उस कंडीशन में भी रिबन लाइक दिख सकता है, और अगर ल्यूमेन में बाउल के ल्यूमेन में अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है तो उस कंडीशन में भी आपको दिख सकती है, और कार्सिनोमा के कारण भी हमें कभी कभी फ्लैटेंड एंड रिबन लाइक स्टूल दिखता है। वैट्री की अगर बात करें कि वैट्री कब दिखाई देगा, तो वैट्री नॉर्मली आप सभी को पता ही है डायरिया की कंडीशन में, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है तो डायरिया की कंडीशन में आपको वैट्री स्टूल देखने को मिलता है। राइस वाटर स्टूल कब देखने को मिलता है, देखो एग्जाम में यहाँ पर ये डिफरेंस है इसलिए मतलब एक अलग ही है, यहाँ पर राइस वाटर स्टूल अलग से दिखा हुआ दिख रहा है, आपने को पता चल रहा है। तो एग्जाम में क्या है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि राइस वाटर स्टूल जो है वो आपको विब्रियो कोलोरा आपने सुना है तो उस कंडीशन में आपको दिख सकता है। ये हो गई आपकी कंसिस्टेंसी की बात। अब हम कलर पर चलते हैं कि कलर जो है वो स्टूल का कलर कैसा होता है और एबनॉर्मल कंडीशन कब दिखती है। नॉर्मली अगर हम बात करें तो स्टूल का कलर कैसा होता है, डार्क ब्राउन होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बाइल पिगमेंट। क्यों होता है डार्क ब्राउन स्टूल का कलर, देखो हमने पढ़ा था जब बिलिरुबिन का मेटाबोलिज्म पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि जब उनका मेटाबोलिज्म होता है तो बिलिरुबिन का जब मेटाबॉलिज्म होता है तो क्या होता है इंटेस्टाइन के अंदर वहां से जो भी बचा हुआ जो बाइल पिगमेंट होता है, यूरिन के अंदर भी हमने पढ़ा था कि यूरिन का फॉर्मेशन होता है, तब भी मैंने आपको बताया था कि जो वेस्टेड जो मतलब कि जो भी बचा हुआ जो बाइल पिगमेंट होता है ना तो वो 10% आफ्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के बाद में 10% तो आपके यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है और 90% जो होता है 90% आपके स्टूल के थ्रू
स्टूल के थ्रू एक्सक्रीट आउट होता है। तो जो स्टूल के थ्रू एक्सक्रीट आउट होता है उसको हम कहते हैं स्टार्कोबिलिनोजन, स्टार्कोबिलिनोजन। और जो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट होता है उसको हम कहते हैं यूरोक्रोम, यूरोक्रोम। इतना आपको क्लियर है कि स्टूल का कलर डार्क ब्राउन क्यों होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइल पिगमेंट, यानी कि स्टार्कोबिलिनोजन के कारण, स्टार्कोबिलिनोजन के कारण होता है। इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए एबनॉर्मल कलर की बात करें हम, तो एबनॉर्मल कलर कौन सा दिखेगा, कौन सी कंडीशन में दिख सकता है? पहला हम पढ़ते हैं ब्लैक कलर। ब्लैक कलर अगर आपके स्टूल का दिख रहा है, ठीक है, ये यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर भी इसका लगाया है, तो मतलब कि आपके अपर ट्रैक्ट में, अपर जीआई ट्रैक्ट में ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, अपर जीआई ट्रैक्ट में ब्लीडिंग हो रही है, यानी कि आपके स्टमक में, आपके डियोडिनम में ब्लीडिंग हो रही है। अब देखो वहां पर अगर ब्लीडिंग, आपको इसको याद कैसे रखना है कि स्टूल का कलर ब्लैक है तो अपर जीआई ट्रैक्ट में ब्लीडिंग हो रही है, और स्टूल का कलर अगर रेड है तो लोअर जीआई ट्रैक्ट में ब्लीडिंग हो रही है। याद कैसे रखोगे? देखो अपर यानी कि ऊपर से आएगा तो वो आता 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 क्या हो जाएगा, ब्लड नॉर्मली रेड कलर का होता है तो ऊपर से आ रहा है इसलिए वो आता आता क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा, क्योंकि ब्लड आ रहा है, ठीक है, तो ब्लड आ रहा है आपके इंटेस्टाइन में आएगा, इंटेस्टाइन में उसका डाइजेशन होगा, डाइजेशन के बाद में ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन होगा तो उसका कलर चेंज हो जाएगा और वो ब्लैक हो जाएगा। समझ में आया क्या हुआ? आपका ब्लड आया, ठीक है, ब्लड आया आपके इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन में उसका डाइजेशन हुआ, इंटेस्टाइन में उसका डाइजेशन हुआ, डाइजेशन होने के बाद में क्या हो जाएगा, उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो उसका कलर चेंज हो जाएगा और वो रेड से क्या हो जाएगा, रेड से उसका कलर चेंज होकर ब्लैक हो जाएगा। तो ऊपर से याद रखो, ऊपर से आ रहा है तो कलर ब्लैक हो जाएगा, किस कंडीशन में होगा, अपर जीआई ट्रैक्ट में ब्लीडिंग हो रही है। ब्राइट रेड यानी कि लोअर जीआई ट्रैक्ट में, लोअर जीआई ट्रैक्ट आपके रेक्टम में, आपके लार्ज इंटेस्टाइन में अगर ब्लीडिंग हो रही है तो वहां पर क्या है कि डायरेक्ट ब्लड निकलेगा, ब्लड आएगा और डायरेक्ट निकल जाएगा, तो वहां पर तुरंत ब्लड निकल रहा है यानी कि फ्रेश ब्लड निकलेगा। इतना आपको ऐसे याद रखना है आपको, ठीक है, तो लोअर जीआई ट्रैक्ट में अगर ब्लीडिंग हो रही है तो वहां पर फ्रेश ब्लड आपको देखने को मिलेगा, फ्रेश ब्लड विद म्यूकस आपको एनीमिक डिसेंट्री, एनीमिक नहीं अमीबिक डिसेंट्री में भी दिखने को मिल सकता है, ठीक है, अमीबिक डिसेंट्री में भी देखने को मिल सकता है। अब क्ले कलर्ड कब होगा? देखो क्ले कलर्ड होगा आपका पोस्ट हिपैटिक जॉइंटिस अगर आपका हो गया है, यानी कि बिलियरी ट्रैक्ट में अगर आपका ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है। वही बात कि अगर बाइल जूस जो वहां से बनकर आ रहा है, ठीक है, तो बाइल डक्ट के थ्रू आएगा, अगर बाइल डक्ट में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया यानी कि बाइल जूस आपका नीचे नहीं आ पाएगा, नीचे नहीं आ पाएगा तो डाइजेशन नहीं होगा, डाइजेशन नहीं होगा उसके कारण आपके स्टूल का कलर चेंज हो जाएगा और वो क्ले कलर्ड का हो जाएगा, ठीक है, तो वो आपके पोस्ट हिपैटिक जॉइंटिस में हो सकता है यानी कि बिलियर ट्रैक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन होने के कारण। ग्रेश व्हाइट आपको कब दिखाई देगा? एबनॉर्मलिटीज इन पेनक्रियास, पेनक्रियास में कोई एबनॉर्मलिटीज हो गई है तो पेनक्रियास से जो जूस निकल रहा है, वो जो जूस निकल रहा है वो आपके डाइजेशन में हेल्प करेगा, उसके कारण आपका कलर जो है वो चेंज हो सकता है ग्रेश व्हाइट। और नॉर्मली आपकी डाइट की वजह से भी थोड़ा बहुत कलर चेंज हो सकता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है, कि आप जो खाना खा रहे हो, आप हरी सब्जियां ज्यादा ले रहे हो तो उस कंडीशन में थोड़ा कलर चेंज हो सकता है, जैसे चुकंदर वगैरह आपने लिया है तो उसके कारण भी कलर चेंज हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा कलर आपको दिख रहा है मतलब कि कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है। इतना आपको आई होप क्लियर हो गया होगा कि कलर के बारे में। अब अगला देखते हैं हम ब्लड के बारे में। देखो ब्लड यानी कि खून, नॉर्मली आपके स्टूल के अंदर ब्लड नहीं प्रेजेंस होता है, मैंने आपको पहले भी बताया। अगर ब्लड प्रेजेंट है मतलब कि कोई ना कोई एबनॉर्मलिटीज है, तो क्या एबनॉर्मलिटीज हो सकती है, मैंने आपको बताया ही कि जीआई ट्रैक्ट में ब्लीडिंग हो रही है, अपर या लोअर जीआई ट्रैक्ट में, तो आपको ब्लड देखने को मिल सकता है, ठीक है, या फिर बैसिलरी डिसेंट्री हो गई हो, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया हो, इंटेस्टाइनल सिस्टोसोमियासिस हो गया हो, या फिर सीवियर ट्रिचुरियस इन्फेक्शन हो गया है, तो इस कंडीशन में आपको ब्लड जो है वो देखने को मिल सकता है स्टूल में। तो कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, पैरासिटिक इन्फेक्शन हो गया है, तो इस कंडीशन में देखने को मिलता है। मोर ब्लड इन स्पेसिमेन बट नॉट विजिबल कॉल्ड अकल ब्लड। अकल ब्लड मतलब क्या होता है, छिपा हुआ ब्लड जो कि स्टूल के अंदर प्रेजेंस है लेकिन हमें दिख नहीं रहा है, तो इसके लिए फिर अकल ब्लड टेस्ट हम करते हैं, जो कि हम आगे आपको बताएंगे कि अकल ब्लड टेस्ट क्या होता है, कैसे करते हैं। तो ये हो गई ब्लड की बात में। अब देखो आगे आता है म्यूकस।
म्यूकस भी आपके स्टूल के अंदर नॉर्मली नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो म्यूकस सिंगल ऐसे ही भी प्रेजेंट हो सकता है, एक जेली लाइक आपके कवर बना के रख लेता है स्टूल के ऊपर, या फिर ब्लड के साथ भी प्रेजेंट हो सकता है। तो नॉर्मली तो ये नहीं होता है, आपके इंटेस्टाइन के अंदर होता जरूर है, नेजल कैविटी में होता है, इंटेस्टाइन में होता है, लेकिन स्टूल के साथ पास नहीं होता है, ठीक है। एबनॉर्मलिटीज कब हो सकती है, जब आपको कॉन्स्टिपेशन हो गया हो, कब्ज हो गया है, तो उस कंडीशन में म्यूकस देखने को मिल सकता है, बैसिलरी डिसेंट्री में देखने को मिल सकता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया है तो उस कंडीशन में भी, कॉलन में अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया है तो उस कंडीशन में आपको देखने को मिल सकता है म्यूकस। अब देखो अगर हम ऑर्डर की बात करें, गंध की बात करें, तो ऑर्डर नॉर्मली जो होती है माइट स्मेल आती है, ठीक है, नॉर्मली माइट स्मेल आती है, तो वो किसके कारण आती है, देखो मतलब वेरियस ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, जैसे एग्जाम्पल बात करें हम तो इंडोल एंड स्केटोल जो कि आपके बैक्टीरिया के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं इंटेस्टाइन में, या फिर प्रोटीन के डिग्रेडेशन के बाद जो स्मेल आती है वो भी माइट स्मेल आती है। अगर आपको फॉल स्मेल आ रही है, यानी कि आपके प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन प्रॉपर नहीं हुआ है, ठीक है, तो अनडाइजेस्टेड प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, मैं इतना लिख देती हूँ। अगर आपको स्टीकी जैसे स्मेल आ रही है तो फिर आपके मतलब कि क्या हो गया है, अनडाइजेस्टेड फैटी एसिड इसके कारण ऐसे स्मेल आ सकती है। नॉर्मली माइट स्मेल क्यों आती है, मैंने आपको बताया ना, इंडोल स्केटोल जो कि बैक्टीरिया के द्वारा प्रोड्यूस होता है, या फिर प्रोटीन के डिग्रेडेशन के बाद भी ऐसे स्मेल आती है। इतना आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो फिजिकल एग्जामिनेशन आपको मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम केमिकल एग्जामिनेशन की बात करते हैं कि केमिकल एग्जामिनेशन में हम क्या एग्जामिन करते हैं, एक तो पीएच के बारे में पीएच देखते हैं। नॉर्मली पीएच जो है वो कितना होता है, 6.0 to 7.5, ठीक है, 6.0 to 7.5, थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको हर बुक में मिल सकता है लेकिन ज्यादा नहीं होता है। देखो नॉर्मली आपका कैसा होता है, स्लाइटली एसिडिक और स्लाइटली अल्कलाइन हो सकता है, ठीक है। अब एसिडिक की अगर हम बात करें तो यानी कि 5 से अगर कम हुआ पीएच, अगर 5 से कम हुआ स्टूल का, तो एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट डाइट के कारण हो सकती है, ठीक है, यानी कि आपने डाइट में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा लिया है, उसके कारण पीएच जो है उसका मोर एसिडिक हो सकता है। मोर एल्केलाइन किस कंडीशन में हो सकता है, जब आपने डाइट में प्रोटीन ज्यादा लिया हो, अगर आपने प्रोटीन ज्यादा लिया हो तो आपका स्टूल जो है वो उसका पीएच आपका एल्केलाइन नेचर का हो सकता है, 7.5 से ज्यादा हो सकता है। इतना आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया। अब देखो हमें देखना कैसे है, कैसे हम पीएच को डिटरमाइन करेंगे, तो हम करते हैं पीएच पेपर से इसको डिटरमाइन। प्रोसीजर इसकी बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है, जो आपके पास में पीएच पेपर है उसको आपको डिप करना है स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फीकल मटेरियल, अपना जो स्पेसिमेन है उसमें, फिर उसका कलर चेंज होगा तो उस कलर को हम ऑब्जर्व कर लेंगे, कंपेयर विद कलर चार्ट एंड रिकॉर्ड द पीएच, ठीक है, कि उसका कलर जो है वो चेंज हो रहा है, यानी कि वो एसिडिक है या एल्केलाइन है वो बता देगा। इतना आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं हम अकल्ट ब्लड टेस्ट, जो मैंने आपको अभी बताया था कि अकल्ट ब्लड टेस्ट का हम डिटरमाइन कैसे करेंगे, तो हमारा ये केमिकल एग्जामिनेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। देखो अकल्ट ब्लड आर फाउंड इन स्टूल व्हेन एनी हीमोरेजिक टेंडेंसी इन कॉलन, ठीक है, यानी कि मैंने आपको बताया ही है कि कब आपको अकल्ट ब्लड दिखाई देगा, कब दिखाई देगा। देखिए आपका जो जीआई ट्रैक्ट में ब्लीडिंग हो रही थी, अपर जीआई ट्रैक्ट में, तो हम देख रहे थे कि वहां से ब्लड का ऑक्सीडेशन होके उसका कलर चेंज हो जाता है और वो ब्लैक हो जाता है, तो उसमें वो कलर ब्लैक हो गया, हमें वो वहां पर दिख नहीं रही है आरबीसी, लेकिन उसके अंदर है, ठीक है, तो वहां पता कैसे करेंगे, वो हमें पता चलेगा अकल ब्लड टेस्ट के द्वारा, ठीक है। तो देखो मेथड हम यहाँ पर अकल ब्लड टेस्ट कौन से मेथड के द्वारा करते हैं, ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है बेंजीडीन टेस्ट होता है अकल ब्लड टेस्ट को डिटरमाइन करने के लिए। रिक्वायरमेंट हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी, हमें एक लेनी है ग्लास स्लाइड, हमें चाहिए एप्लीकेटर स्टिक और हाइड्रोजन पराक्साइड, ग्लेशियल एसिटिक एसिड और बेंजीडीन पाउडर, ये तीनों रिएजेंट हमें जरूरत लगते हैं। प्रोसीजर इसकी देखते हैं क्या होती है। स्पेसिमेन में हमें फीसेस लेना है जो हमारे स्पेसिमेन है। प्रोसीजर बताने से पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा प्रिंसिपल बता देती हूँ कि इस टेस्ट का, बेंजीडीन टेस्ट का प्रिंसिपल क्या है। देखो प्रिंसिपल बहुत सिंपल है, कुछ नहीं, कि आपके स्टूल के अंदर अगर आरबीसी प्रेजेंट है, ठीक है, आरबीसी प्रेजेंट है और आरबीसी के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन,
हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है, हीम प्रोडक्ट यानी कि आयरन, या फिर हीम ही लिख रहे हैं, हीम प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखो हीमोग्लोबिन के अंदर ना परोक्सीडेज एक्टिविटी, परोक्सीडेज एक्टिविटीज होती है, और उस परोक्सीडेज एक्टिविटीज के कारण वो क्या करेगा, परोक्सीडेज एक्टिविटी के कारण ये जो हम हाइड्रोजन परोक्साइड यहाँ पर यूज कर रहे हैं, इस एक्टिविटीज के कारण हाइड्रोजन पर परोक्साइड पर एक्ट करेगा और इसको अलग अलग कर देगा, ठीक है, इसको अलग अलग कर देगा, तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, और ये ऑक्सीजन आपका इस बेंजीडीन पाउडर को, इस बेंजीडीन पाउडर को ऑक्सीडाइज कर देगा। समझ में आया, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन के अंदर परोक्सीडेज एक्टिविटीज होती है जिसके कारण हाइड्रोजन परोक्साइड को ये कन्वर्ट कर देता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देगा, तोड़ देगा, लिब्रेट कर देगा, तो ये ऑक्सीजन आपका बेंजीडीन पाउडर जो हम यूज करेंगे इसके साथ में रिएक्ट करेगा, इसको ऑक्सीडाइज्ड कर देगा, जिसके कारण इसका कलर चेंज हो जाएगा, ग्रीन से ब्लू हो जाएगा। इतना आपको आई होप क्लियर समझ में आ गया होगा। तो ये कब होगा, जब आपके स्टूल के अंदर आरबीसी प्रेजेंस होगी, हीमोग्लोबिन प्रेजेंस होगा, तब होगा, ठीक है, यानी कि उसके अंदर हम कह रहे हैं कि इसके अंदर ब्लड है लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा है, छिपा हुआ ब्लड है, तो ये आपका किस कंडीशन में हो सकता है, बैसिलरी डिसेंट्री में हो सकता है, शिगेलोसिस में हो सकता है, ठीक है। तो और आपके जो अपर जीआई ट्रैक्ट से ब्लीडिंग हो रही है तो वो नीचे आता था, वो ब्लैक हो जाता है, यानी कि उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, समझ में आया। तो उस कंडीशन में उसके अंदर ब्लड होता है लेकिन हमें दिखाई नहीं देता है, और ये जो रिएक्शन मैं बता रही हूँ ये इस टेस्ट का प्रिंसिपल है, यानी कि इस तरीके से इस टेस्ट के अंदर रिएक्शन होती है। अब देखते हैं प्रोसीजर कैसे करना है। यहाँ पर प्रोसीजर कह रही है कि आपको सबसे पहले क्या करना है, 4 ग्राम ऑफ बेंजीडीन मिक्स इन 100 ml ऑफ ग्लेशियल एसिटिक एसिड एंड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टूल इन मिक्सड इन अ 5 ml ऑफ डिस्टिल वाटर एंड टेक 1 ml ऑफ मिक्सड स्टूल एंड 1 ml ऑफ बेंजीडीन एंड ग्लेशियल एसिटिक एसिड सोल्यूशन मिक्सड में। इस प्रोसीजर को मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ, देखो इस प्रोसीजर को मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कि आपको सबसे पहले क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लेना है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको लेना है 4 ग्राम आपको लेना है बेंजीडीन, 4 ग्राम लेना है बेंजीडीन, और आपको 100 ml क्या लेना है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ग्लेशियल एसिटिक एसिड में यहाँ पर इसको ऐसे लिख रही हूँ, ठीक, ये ले लिया। फिर आपको एक और ट्यूब लेनी है, इस ट्यूब में आपको लेना है फ्यू अमाउंट, क्या लेना है आपको, फ्यू अमाउंट ऑफ स्पेसिमिन, यानी कि आपका जो फीसेस है, फीसेस ही लिख लेते हैं, ठीक है, फ्यू अमाउंट आपको फीसेस की लेनी है, और यहाँ पर 5 ml आपको लेना है डिस्टिल वाटर, 5 ml आपको लेना है डिस्टिल वाटर, ये आपने 2 ट्यूब में ले लिया, इसको मिक्स कर लिया। अब आपको 1 ट्यूब और लेनी है, इस ट्यूब के अंदर आपको ये जो आपने यहाँ पर सॉल्यूशन मिलाया है तो 1 ml इस सॉल्यूशन का लेना है, ठीक है, 1 ml ये वाला सॉल्यूशन लेना है और 1 ml आपको लेना है ये वाला सॉल्यूशन। इतना आपको समझ में आ गया, 1 ml आपने ये ले लिया, 1 ml आपने ये ले लिया। अब इसमें आपको फ्यू ड्रॉप ऐड करनी है, किसकी, फ्यू ड्रॉप आप ऐड करेंगे H2O2 की, फ्यू ड्रॉप आप H2O2 की ऐड करेंगे हाइड्रोजन परोक्साइड की। तो हमने ये जो बेंजीडीन पाउडर लिया है, ये O2 जो कि हीमोग्लोबिन के द्वारा कन्वर्ट हुई थी, ये इस बेंजीडीन पाउडर के साथ रिएक्ट करेगी, ठीक है, रिएक्ट करेगी और उसका कलर चेंज कर देगी। अगर कलर चेंज होता है और ब्लू कलर हो जाता है, ग्रीन कलर से अगर ब्लू कलर हो जाता है, मतलब कि अकल्ट ब्लड टेस्ट क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि उसके अंदर क्या प्रेजेंस है, अकल्ट ब्लड प्रेजेंस है। और अगर कोई कलर चेंज नहीं होता है, नो चेंज कलर, नो चेंज इन कलर, ठीक है, तो क्या होगा, नो चेंज इन कलर, तो क्या होगा, वो नेगेटिव होगा, ठीक है, नेगेटिव होगा। इतना आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया। देख लेते हैं हमने क्या किया था, फोर्थ स्टेप देखनी थी हमको, एड फ्यू ड्रॉप ऑफ H2O2 हाइड्रोजन परोक्साइड एंड ऑब्जर्व द कलर फॉर्मेशन, अपीयरेंस ऑफ ब्लू कलर इंडिकेट पॉजिटिव टेस्ट, यानी कि उसके अंदर अकल्ट ब्लड प्रेजेंस है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। आज हमने फिजिकल एग्जामिनेशन और केमिकल एग्जामिनेशन के बारे में पढ़ा स्टूल का, बचा है अपना माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन जो कि हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली क्लास में, बने रहिए हमारे साथ।